वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि हम एनीमिया पे आज बात करेंगे। बेसिकली है क्या, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, जो एनेमिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए किस तरह की एहतियात होनी चाहिए, इस हवाले से हमें बताएंगे हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया महमूद। वेलकम टू द शो जवेरिया, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा जवेरिया, एनीमिया बेसिकली है क्या, इस पर अगर हम डिस्कशन का आगाज करें तो? जी, जैसे कि अक्सर औकात आपने सुना होगा और देखा होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि इसका कलर पेल हो रहा है और कलर बहुत डार्क हो रहा है, टैन हो रहा है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है या टोटल प्रोटीन टेस्ट करवाया जाता है। और अगर उसमें ब्लूरिबिन जो आपका अगर लो आए, लेस देन 0.3 आए और समथिंग 1 पॉइंट से नीचे आए, तो इट्स मीन टू से दैट कि जो येलो पिगमेंट होता है जिसको आप जब रेड लीफी वेजिटेबल्स देते हैं या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देते हैं जो कि आयरन इनरिच्ड होती हैं, और अगर जब आप वो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसर फूड्स देते हैं उसकी वजह से जो एक येलो कलर का पिगमेंट रिलीज होता है बाइल डक्ट से, दिस इज कॉल्ड ब्लूरिबिन। और अगर ब्लूरिबिन आपका नहीं बन रहा, इसका मतलब आपका खून नहीं बन रहा, तो उसके लिए हम बेसिकली अपनी खुराक में वो गजाएं ऐड करते हैं जिसकी वजह से आपका जो लिवर ठीक हो सके। बेसिकली होता है, बेसिकली लिवर आपका ख़राब है जिसकी वजह से आपका खून नहीं बन रहा होता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिवर को ठीक होने की ज़रूरत होती है। फिर आपका आपका जो रेड ब्लड सेल्स काउंट है या फिर वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैं बताती चलूँ कि डिफरेंट देयर लॉट ऑफ जूसेस एंड ड्रिंक्स जो, और उसके अलावा एक प्रॉपर मील भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी जो कि लोग अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि उनका कलर बहुत ही पेल होता जा रहा है या इवन वो अपना ब्लड सैंपल टेस्ट लेते हैं तो अगर वो बिल्कुल ब्लैकिश कलर में हो, इट्स मीन कि उनका ब्लड बिल्कुल नहीं बन रहा और उसमें जो है ब्लूरिबिन बहुत ही कम हो चुका है। और उसमें मतलब ब्लूरिबिन में भी कॉन्जुकेटेड ब्लूरिबिन होता है और दूसरा ब्लूरिबिन होता है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पूरा आपके मेडिकल टेस्ट पे, टोटल प्रोटीन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट पे जो आपके LFTs हैं उस पर डिपेंड करती हैं। जी, तो यहाँ मैं बताती जाऊँ, एक पुदीने का पानी डेली यूज़ में बहुत ज़बरदस्त है। पुदीना मतलब जो है वो रिच इन मिंट जो है, रिच इन यू कैन से लॉट ऑफ आयरन कॉम्पोनेंट इन दिस, लॉट ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। उसके अलावा पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो गज़ा है वो बीट रूट चकंदर जिसको कहा जाता है, इट्स रिच इन लाइकोपिन टू। चकंदर के साथ थोड़ा सा पालक ऐड कर लें और पालक के साथ साथ थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी उसमें शकरकंदी और सेलरी लीव्स और 1 लेमन, ये इसका जूस जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा जो जिंजर है, अदरक यानी कि अदरक और सेलरी और मिंट, इसका जो पानी है वो भी आपका जो आपका ब्लड है उसको प्योरीफाई करता है, मीन टू से डिटॉक्स करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन का बेसिकली मतलब यही है कि आपके खून की सफाई करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका खून प्योरीफाई होता है वैसे वैसे आपका लिवर क्लींस होता है और लिवर क्लींजिंग के साथ साथ आपका ब्लड बनने लगता है जिसकी वजह से ब्लूरिबिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि जो छोटे कई बच्चे होते हैं उनके भी कलर्स पेल होते हैं, या ऐसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ हैं, एक तो सन टैनिंग से पेल होता है, पर दूसरा जब आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, जब बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड बेवरेजेस यूज़ करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अरमिला चाय पीते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस में कोक को कोला मतलब समथिंग कोक जो समथिंग है वो जो उसका ब्लैक टार है वो भी आपका जो जिगर है, आपका जो लिवर है उसको ख़राब करता है। और इवन जिनका जिगर ख़राब है उनकी पूरी बॉडी ख़राब होती है, उनको ना भूख लगती है, उनको फिर कोई घर में कोई तली हुई चीज़ बन रही हो तो उनका दिल ख़राब होने लगता है, और साथ ही साथ ना सिर्फ ये बल्कि उनका निज़ाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होता है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि उनको बड़ा लाइट फूड भी जो है वो भी वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उनको लगता है कि फूड इज़ टू हैवी टू डाइजेस्ट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो इमली, आलू बुखारा और उसके अलावा मतलब इसका पानी यूज़ करें, पुदीने का पानी जैसे मैंने बताया वो यूज़ करें। अपनी डाइट में एवोगैडो, ग्रीन्स, ग्रीन एप्पल यानी जो जो ग्रीन कलर का एप्पल होता है, ये तमाम चीज़ें, ककम्बर ज़रूर यूज़ करें, ककम्बर्स का सैलड यूज़ करें या ककम्बर्स का जूस यूज़ करें, किसी ना किसी तरह। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, मैं जानना चाहूंगी कि जो एनेमिक पेशेंट्स हैं बेसिकली वो एज ग्रुप क्या होता है जो ज्यादा एनेमिक भी होते हैं, जिनमें खून की कमी होती है, बच्चे, खवातीन या कोई एज फैक्टर ऐसा स्पेसिफिक है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब आपको फील होना शुरू कि आपके अंदर खून की डिफिशियंसी हो रही है? जी, साइंस एंड सिम्टम्स में यही आता है कि आपका नेल कलर पेल हो जाता है, आपकी आईज पेल होती हैं, आपका कम्प्लेक्शन एकदम से फुल पेल से, यूरिन आपका पेल होता है। दिस इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आप बायोमेडिकल एग्जामिनेशन की
की तरफ जाते हैं तो फिर आपका प्रॉपर आपका पीएच टेस्ट, यूरिन टेस्ट और आपका ब्लड टेस्ट होता है, और उसके अलावा जब आप अदर एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें डाइटरी हिस्ट्री आती है कि पहले 1 ईयर आपकी डाइट क्या रह चुकी है। और दूसरा आपने पूछा कि कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पर ज़्यादा एनीमिया होने के चांसेस है, एक तो यंग गर्ल्स में क्योंकि मेंस्ट्रुअल पीरियड की वजह से देयर लॉट ऑफ केसेस मतलब पेलनेस होती है, दूसरा प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स क्योंकि बेबी डेवलपमेंट में लॉट ऑफ आयरन बिल्डिंग सेल्स आर यूज्ड, तो उस ड्यूरेशन में जो एक माँ होती है उसको खून की और कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको एक ऐसी खुराक जो कि रिच इन आयरन, आयरन रिच कंटेंट से भरपूर हो, उसकी डेली जो डाइट है उसमें 600 to 800 कैलोरीज तक होनी चाहिए। और जबकि हमारी यहाँ पे ख्वातीन जब बेबीज बर्थ होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा 80-90% एनीमिक होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस ट्राइमेस्टर में अपना थर्ड एंड फोर्थ ट्राइमेस्टर में ख्याल उस तरह से नहीं रख पाती और वो लेटर ऑन जब उनमें खुद में एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होती है, तो वो बेबीज बर्थ में बेबीज में भी डेवलप हो जाती है एज इट इज़ जैसे कि माँ में होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है उन लोगों को बताना कि ये जो मतलब स्पेसिफिक जो टाइम स्पेन है जो 19-25 ईयर्स है या 25-35 ईयर्स है, इस ड्यूरेशन में जो आपका आयरन इंटेक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने गोली खानी है, ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने आयरन के साथ विटामिन सी लेना है। लाइक टू से दैट विटामिन सी रिच फ्रूट्स हमारे पास ग्रेप फ्रूट, एवोकेडोज, रेड पेपर, टोमेटोज एंड ऑरेंजेस, देर आर लॉट ऑफ वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन सी, तो आप वो ले सकते हैं। पर साथ ही साथ आपने जहाँ जहाँ आयरन, एक साइड पर आपने आयरन लिया, दूसरे साइड पर विटामिन सी, क्योंकि आपकी ब्लड में उससे अब्जॉर्प्शन हो रही है, वरना आप मतलब अगर विटामिन सी आप लेते जा रहे हैं, अक्सर मैंने खवातीन को देखा है वो सिर्फ विटामिन सी ले रही होती है, वो कहती है दिस इज गुड। हाँ बिल्कुल सप्लीमेंट, और आप ये देखिए कि अर्मिला आई एम नॉट अगेंस्ट द सप्लीमेंट, पर ये मेरा पर्सनली मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जो खुराक है ना, जो आप उससे डेफिशिएंसी उसका अल्टरनेट नहीं है, और आपको पता होता है कि ये फ्रूट है, ये हमारे पास वेजिटेबल है, आपको अमाउंट बस उसकी सेटल डाउन करनी है, फिर आपको पानी जो है वो तकरीबन 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे लेना है। और स्पेसिफिकली वो लोग जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एनीमिया आपने देखा होगा, पेलनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, और उसकी एक वजह ये भी है कि मतलब ग्रीन लीफ वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा हद तक उसको माइनस कर दिया गया है। इधर आप एक मीट पोर्शन लेते हैं, फिश लेते हैं तो आप कहते हैं फिश एंड चिप्स एंड बारबेक्यू एंड चिप्स एंड स्टेक एंड चिप्स, आप उसको रिप्लेस करें वेजिटेबल्स के साथ, गो विद द हेल्दी मील सिलेक्शन बिकॉज इट्स फॉर योर लाइफ ना, मतलब जब भी आप देखें हेल्दी होते हैं उसका फ़ायदा किसी और को नहीं होता, आपको फर्स्ट सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात को होता है, क्योंकि आप खुद अच्छा फील करते हैं और आप डिजीज रेजिस्टेंट हो जाते हैं, आपको आप अपना अमूरे ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जवेरिया, अभी सप्लीमेंट्स की बात की, बहुत सारी खवातीन यंग लोग जो जिम एक्सरसाइज तरह की चीज़ें करते हैं उनमें अगर एनीमिया या खून की डिफिशेंसी जिस तरह की भी मैटर्स हों, वो सप्लीमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमें डाइट, तो वो किस हद तक इनको फ़ायदा है या नुकसान है उस चीज़ का? बेसिकली वी आर व्हाट वी आर ईट, और आई ऑलवेज सेड मैनेज योर डिजीज विद द डाइट, और डाइट इज़ इन अवर प्लेट, कि मतलब जो जो हमारी प्लेट में हमें नज़र आ रहा है, इट्स नॉट अबाउट द लॉट ऑफ दिस एंड विटामिन सी एंड विटामिन ई एंड कैल्शियम एंड जिंक, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वो तमाम फूड सोर्सेज दिए हैं कि हमें अगर पता चल जाए कि हमारी बॉडी में ये डेफिशिएंसी है कि विटामिन सी है या विटामिन बी है या आयरन डेफिशिएंसी है, और हमें पता चल जाए कि उसको ओवरकम कैसे करना है, फिर हमारे पास टू सोर्सेज होती हैं, एक प्लांट बेस्ड सोर्स होती है, प्लांट बेस्ड यानी प्लांट्स से हम कैसे ले सकते हैं, और दूसरा एनिमल सोर्स होती है। कुछ लोग तो वी आर मीट लवर्स से एनिमल सोर्स की तरफ चले जाते हैं, पर साथ ही साथ प्लांट बेस्ड जो है दे आर मोर गुड फॉर द हेल्थ, क्योंकि आपको उससे कोलेस्ट्रोल या फिर जो स्ट्रोक्स हैं, क्योंकि आपकी जब मतलब या डिफरेंट और ऐसी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो उससे भी हम बच सकते हैं। यहाँ पर बताती चलूँ कि वो लोग स्पेसिफिकली जो कि मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर टाइम पे मील नहीं लेते, पोर्शन साइज कंट्रोल नहीं करते, और दूसरा किसी बीमारी से रेजिस्टेंट की उस तरह से ताकत नहीं रखते, और दोबारा सीजनल बीमारियों में आके रिकवर होना चाहते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा एनीमिया होता है, और उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो चकंदर, पालक, पुदीना और एक लेमन, थोड़ा सा जिंजर, उसका जूस जो है डेली आफ्टरनून में ज़रूर कंज्यूम करें, ताकि वो इसको ओवर जल्दी से ओवरकम कर सके। ठीक हो गया। अच्छा जवेरिया, समटाइम्स जो लोग बच्चे एनेमिक होते हैं उनकी कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं, उन रीजंस को भी हम डिस्कस करें, और फर्दर एनीमिया से या ब्लड की डिफिशेंसी से मज़ीद क्या नुकसान हो सकते हैं? जी बेसिकली आप ये देखें कि जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि
क्योंकि बच्चे हर चीज़ खा नहीं रहे होते और बच्चों की जो डाइट होती है उसमें हर चीज़ एड अप नहीं होती है। और अक्सर औकात आपने देखा होगा मदर्स अगर डेट शेक दें या डेट खीर देती हैं या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो कि नट्स या फिर उसके अलावा हलवे या इस तरह की बेस्ड होती है, बच्चे खुशी से नहीं खाते हैं। दूसरी साइड पर फिर मदर्स दे आर गो विद द सप्लीमेंटेशन, बट सप्लीमेंटेशन इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सो थिंग्स आर लाइक दिस, कि जब भी हम लोग खुराक की बात करते हैं, स्पेशली बच्चों की डाइट की बात करते हैं, तो बच्चों में ही ओवरकम किया जा सकता है जब आप उनको डिफरेंट मतलब आप उनको फूड जो है उनको फ्लेवर्ड कलर्ड और लॉट ऑफ मतलब उनको एनरिच फूड दिया जाए, फोर्टिफाइड फूड दिया जाए। फोर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं होता कि आपके आटे में या फिर आपके मिल्क में की जा रही हो, फोर्टिफिकेशन एक माँ के हाथ में भी होती है कि वो एक खाने को कैसे डिवेलप कर रही है। और दूसरी बात है कि आप जितना बच्चों को कमर्शियल करेंगे, बच्चों की उतनी मेंटल ग्रोथ जो है वो स्टॉप डाउन और बैकवर्ड जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ में आ जाएंगे। और पाकिस्तान में वैसे ही इस टाइम मेल न्यूट्रिशन और स्टंटेड ग्रोथ की जो रेशियो है वो 60% है। पर थिंग्स आर लाइक दिस, कि जब भी आप बच्चों की न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो दिस इज़ लाइक अ न्यूट्रिशन ऑफ अवर फ्यूचर एंड न्यूट्रिशन ऑफ अवर नेशन। पर इस तमाम इन तमाम चीज़ों में ये ज़रूर एक एलिमेंट आता है कि जो मदर है या जो जहाँ पे खाना घर पे जो बना रहे हैं या बनाने वालों में से हैं, वो उसमें कोई आर्टिफिशियल एजेंट्स, कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेशन तो नहीं उसको बच्चे को दे रहे, क्योंकि बच्चा प्रिजर्वेशन हो गए, कलरेंट्स हो गए बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ दैट थिंग कैन ऑल्सो कॉज द एनीमिया इन द बॉडी। ठीक हो गया जुबेरिया। आज सैलड्स का इस्तेमाल कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जिनमें खून की कमी है? बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें बताई कि जैसे बीट रूट है, फिर ककम्बर है, फिर आप ये देखिए जो हमारे पास बीन्स ग्रुप है, क्योंकि बीन्स को तो अक्सर उकात हम लोग भूल जाते हैं और कभी यूज़ करने पे आए तो बहुत ज़्यादा भी यूज़ एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं। पर जो बीन्स हैं, रेड बीन्स हो गई या फिर वाइट बीन्स हो गई, आप इसको 3 to 3 kg तकरीबन इसको बॉयल कर लें। बीन्स, कॉर्न्स, ऑलिव्स यानी मकई हो गई, बीन्स हो गए, ऑलिव्स थोड़े बहुत ले लें, उसमें थोड़ा सा मीट पोर्शन ऐड कर लीजिए, बीट रूट ऐड करें, स्पिनिच लीव्स ऐड कर लें, आइसबर्ग लेटस या फिर जो ब्रोकली लीव्स हैं वो ऐड करें, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और लेमन के साथ गार्निशिंग करें, और तकरीबन 1 tablespoon के करीब इसमें आप फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज ऐड करें, क्योंकि इट्स रिच इन ओमेगा 3 और साथ ही साथ जो है ये आपकी बॉडी में आयरन जो रेड ब्लड सेल्स है वो भी डिवेलप करते हैं। और किशमिश रेजिन्स बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है ब्रेकफास्ट सीरियल में ऐड करने के लिए भी और सैलड में ऐड करने के लिए भी, क्योंकि किशमिश अक्सर औकात तो हमारे मीठों में यूज़ होती है या फिर अक्सर औकात निमकों में भी यूज़ हो रही होती है, पर अगर आप उसको डायरेक्टली तो आप एक चम्मच उस तरह से नहीं ले सकते, पर अपने आप खानों में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो उसका पानी भी पीते हैं कि आपका जो खून है वो बड़ा जल्दी पलाव में भी अक्सर लोग हाँ बिल्कुल उसमें मेवा जात बिल्कुल यूज़ होते हैं, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ अंजीर दूध में थोड़ा सा पका के आप उसका दूध पिए तो वो आपको नींद में भी हेल्प आउट करता है और खून बनाने में भी हेल्प आउट करता है। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें इतने फलों और सब्जियों में ना सिर्फ बल्कि गज़ा दिया बल्कि गज़ाइयत और लज़त दी है साथ साथ, स्पेशली पाकिस्तान में, तो हमें उसको जस्ट एक मुकर्रा वक्त पे प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करना है ताकि हम उससे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकें। ठीक हो गया। जूसेस का इस्तेमाल जुबेरिया आप किस हद तक रिकमेंड करेंगे और किस तरह के जूसेस इन्हें में लोगों के लिए बच्चों को दिए जा सकते हैं थोड़ा फ्लेवर ऐड करके, वो क्या बताएंगे? यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि फिग्स बनाना यानी अंजीर बनाना, थोड़ा सा पीनट बटर और तकरीबन आप उसमें थोड़ा सा 1 tablespoon जो है वो ड्राइड पाउडर ऐड कर लें एग वाइट का, तो वो इट्स वेरी गुड स्मूदी फॉर द बेबीज। उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ जूसेस जैसे ककम्बर रसबेरी जूस होता है, फिर स्ट्रॉबेरी योगर्ट, और उसके अलावा यू कैन ऐड बेरी ग्रुप क्रैनबेरी क्रैनमिक्स डाल दें, वो उनका जो बच्चों को जिनको यूरिन इशू है, क्योंकि कभी कभी जिनको जिनके किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती उनको भी एनीमिया हो जाता है। अक्सर औकात देखें कि जैसे जैसे आपकी बॉडी में एनीमिया होता है उसके लॉट ऑफ रीजंस आर देयर, स्ट्रेस भी होता है, ओवरवर्क भी होता है, फिर उसके अलावा एनजाइटी, डिप्रेशन, आप जब अपनी खुराक में प्रॉपर प्रोटीन यूज़ नहीं कर कंज्यूम नहीं कर रहे तब भी आपके रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, तो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि आपका मैक्सिमम मिनिमम जो है आपका प्रोटीन का यूजेस 600 to 800 calories पर डे होना चाहिए, चाहे वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन से हो चाहे वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन से हो। आम लोग जो कि हमें इस टाइम सुन रहे होंगे उनको बताती जाऊँ कि पालक एक इतना ज़बरदस्त इन्ग्रीडियंट है और हर गरीब और अमीर की पहुँच में भी है, एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, उसके साथ ही साथ इन तमाम चीज़ों के होते होते इसके इसका जो प्रॉपर है, कुछ लोग इनको स्टमिक इशू है वो इसको थोड़ा सा
हल्का हल्का इसको लाइट सा सौते कर लें, और डोंट ओवर कुक वेजिटेबल्स क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं उसके, और उसको आप सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं, उसका आप जूस भी पी सकते हैं, और बेस्ट रहता है क्योंकि आजकल तो हमारे पास गाजरें भी हैं सीजनल, कैरेट्स जो है रिच इन विटामिन ए होता है और आयरन बिल्डिंग सेल्स डेवलप करता है आपकी बॉडी में, माइक्रो मिनरल्स बहुत होते हैं इसमें, बीट रूट, कैरेट, थोड़ा सा लेमन और जिंजर, इसका जूस बहुत ज़बरदस्त है। ये ना सिर्फ आप देखिए इसमें आयरन आपको मतलब आयरन बिल्डिंग सेल्स डेवलप करता है, बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी, और आपका इम्यून भी बूस्ट करता है साथ में, आपको ना सिर्फ इम्यून बूस्ट करता है बल्कि आपको सीजनल डिजीज से भी बचाता है, और आपकी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, आपका स्टमक डिसऑर्डर है, आपको सांस के मसाइल है, उससे भी हेल्प आउट करता है। अच्छा भैया, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल या सीजनल फ्रूट्स आप बता रही थी, क्योंकि ये मौसम तो ड्राई फ्रूट्स वाला है, और बहुत सारी खवातीन, मैं प्रेग्नेंट खवातीन की भी बात करूंगी, अमूमन उनमें भी वो भी एनेमिक होती हैं, और फर्दर जो उनके आगे बेबी जाते हैं उनमें भी ऐसा प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई डाइट प्लान आप सजेस्ट करेंगे? जी मैं बताना चाहती हूँ, आप देखें कि उनको सबसे ज़्यादा मिल्क और आयरन और विटामिन सी उनकी डाइट में थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट से नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होना चाहिए। ब्रेकफास्ट इज कंटेन्ड लाइक टू से दैट वो ऑरेंज या ग्रेपफ्रूट जूस ले लें, एक दिन उसको अल्टरनेट रखें, एक दिन विटामिन सी इनरिच जूस लें और सेकेंड डे आयरन इनरिच जूस लें, और जैसे कि एप्पल जूस हो गया या इसी तरह, और उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट सीरियल में जौ का दलिया बहुत ही ज़बरदस्त है, बेस्ट है, रिच इन फाइबर होता है, पेक्टिन गम लेग्डिन है, अगर आप उसमें थोड़ा सा 1 कप आप उसमें पीज मटर ऐड कर लें, क्योंकि इट्स रिच इन विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करता है, और फीमेल्स को अक्सर जो इश्यूज़ हैं उनको ब्लॉटिंग होती है या उनको बर्निंग होती है, उसमें भी जो मटर है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स ऐड करें, हैंडफुल ऑफ यू कैन टेक बनानाज, एप्पल्स यानी फ्रूट जो है सर्विंग वो भी ऐड करें, आपने तमाम चीज़ें जो है अपने ब्रेकफास्ट सीरियल में यानी कि जो भी दलिया आपका है उसमें ऐड कर दिया, और साथ ही साथ आप जो है टी या कॉफ़ी मतलब लेस कार्बोनेटेड चीज़ों की तरफ जाएं और लेस कैफिनेटेड चीज़ों की तरफ जाएं, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को तकरीबन 3 to 6 सर्विंग्स पर डे आप जरूर लें, मतलब पुडिंग हो गया या फिर कस्टर्ड, खीर, फिरनी या किसी किस्म की भी कोई चीज़ है, जूसेस हैं, फिर स्मूदीज हैं या शेक्स हैं, किसी किस्म की फॉर्म में आपने जरूर लिया जी। और जो लंच होना चाहिए वो लंच शुड बी वेरी लाइट एंड मेड इन द प्लांट बेस्ड ऑयल्स, जिसमें हमारे पास दालें और सब्जियां आ जाती हैं, यानी दाल मूंग है, दाल माश है, उसके अलावा लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, पर कार्बोहाइड्रेट काउंट को थोड़ा सा कम रखें, कट डाउन ना करें, कम रखें, यानी कि जो आलू अरबी शक्करकंदी है उसको थोड़ा सा माइन्यूट कर दें, आइदर इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ, पर यह है कि आप घी, कद्दू, लौकी, भिंडी, टमाटर और शिमला मिर्च, कीमा, इनके साथ जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप बना के बिल्कुल एक चपाती के, एक या दो चपाती के साथ ले सकते हैं। रात का मील या जो शाम का मील है वो 6 to 8 PM तक होना चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत लेट मील करते हैं और अक्सर ख़वातीन जो लेट मील करती हैं उनको डाइजेस्ट लेट होता है, उनको डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बॉडी में, उनका उनको डिफरेंट नौजिया और वॉमिटिंग और डायरियल फीलिंग्स आती हैं, सो इट शुड बी बेस्ड ऑन द यू कैन से गो थ्रू विद द वेरी लाइटर सैलड्स, हेल्दी सैलड, फ्रूट सैलड हो जाए, वेजिटेबल सैलड्स हो जाए, मतलब ग्रीन लीफ वेजिटेबल सैलड हो जाए, फुल ग्रीन सैलड हो जाए, एंड दे कैन गो विद द जूसेस बट नॉट सो हार्ड, जैसे कुछ जैसे मैंने बताया बीटू टेबल कैरेट आपने सुबह ही लेने हैं, इस टाइम आप जा सकते हैं एप्पल जूस की तरफ जा सकते हैं, बनाना शेक की तरफ जा सकते हैं, मिल्क बेस्ड शेक्स और स्मूदीज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है उससे आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है एंड यू हैव टू गो टू स्लीप और डाइजेशन में भी इजी रहता है, आप बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर हैं जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी? मैं अपना ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हम कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो ले सकते हैं? सप्लीमेंट ले सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आयशा, क्या कहेंगी? बेसिकली थिंग्स आर लाइक दिस के हमेशा से मिला हम भाई ही बात करते आए हैं कि सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना तो नहीं चाहिए ऑल ओवर, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेशन जो गोलियाँ होती हैं उनका हम ले रहे होते हैं, इनटेक भी कर रहे होते हैं, पर हमें ये भी नहीं पता होता कि जैसे आयरन के साथ विटामिन सी लेना है, तो अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं आप इट्स नॉट टोटली रिकमेंडेड, पर आयरन के साथ ले रहे हैं तो विटामिन सी लें, आइदर आप फ्रूट्स की फॉर्म में ले रहे हैं या फिर आप गोलियों की फॉर्म में ले रहे हैं, पर थिंग्स आर लाइक दिस के जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को जिस चीज़ की आदत डालते हैं वो उसी ड्रग पे वो सेटल डाउन हो जाती है और वो होल लाइफ हो जाती है। इसी तरह हमारे जो कुछ बड़े हैं जो कि अभी 86 और 90 ईयर्स तक भी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कच्ची सब्जियों का जो रॉ वेजिटेबल्स है उसका इस्तेमाल करते,
जिसकी वजह से उनका स्टमक बड़ा परफेक्ट है और उनकी स्किन बहुत अभी तक अच्छी है। अभी तक उनकी जो हम बालों शालों इनकी बात करें वो सब इतने सही है ना, हम लोगों को परेशानी हो रही है तो वो कहते हैं जी खुराकें आपकी ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जुबेरिया, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह इतनी जबरदस्त टिप्स बताने के लिए। जनाब एनीमिया के हवाले से हमने बात की कि जो एनीमिक पेशेंट्स हैं किस तरह की डाइट लें और किस तरह की वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बड़ी जबरदस्त टिप्स मुझे भी मिल गई हैं। और जनाब अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, वहाँ हमारी सोशल मीडिया टीम है, आप अगर कोई बात कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर हमें फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।